लालची शुगरकेन वाली। ये मणिपुर नाम का एक गांव है। गांव में सुचित्रा नाम की एक गृहिणी रहती थी। एक बार सुचित्रा, गर्मी का मौसम आया है, हर कोई प्यासा है, इसलिए हम गन्ने का जूस की रेडी लगाते हैं, सोचकर एक गन्ने के खेत गई। सुचित्रा किसान से, भाई मैंने गन्ने के जूस की रेडी लगाने की सोच रही हूँ, आप गन्ने कितने में दे रहे हो? ले लो बहन, इस गन्ने से अगर रस निकालोगे तो वो बहुत मीठा होगा, 1000 रुपए में एक पूरा ट्रैक्टर भर दूंगा। ठीक है, कहते हुए उसे पैसे दी। किसान पैसे लेकर ट्रैक्टर पूरा गन्ने से भरकर भेजा। अगले दिन सुचित्रा शुगर किन बंडी शुरू की। आइए भाई आइए, ताजा ताजा गन्ने का रस लीजिए, कहते हुए पुकारने लगी। तब वहाँ एक बूढ़ी औरत सुचित्रा से, एक ग्लास गन्ने का जूस देना। उस गन्ने का रस पीते ही वो औरत, वाह कितना मीठा है और बहुत स्वादिष्ट भी है, कहते हुए एक और ग्लास पी। थोड़ी देर बाद दो और लोग वहाँ आकर गन्ने का रस पीकर, बहुत अच्छा है, कहते हुए सभी दो दो ग्लास गन्ने का जूस पीने लगे। इस तरह थोड़े ही समय में सुचित्रा पैसे अच्छी तरह से कमाने लगी। एक बार सुचित्रा, मैं रोजाना केवल 500 कमा रही हूँ, मुझे लगता है कि हमें और बेहतर कमाना चाहिए, यूँ सोचने लगी। इतने में ट्रैक्टर पर गन्ने का किसान आया। क्यों बहन, कारोबार अच्छे से चल रहा है ना, कहते हुए पूछा। हाँ अच्छा ही चल रहा है। मैंने बोला था ना, अगर मेरे खेत के गन्ने के साथ रस निकालोगी तो वो बहुत मीठा होगी। चलो ठीक है, मैं गन्ने ले आया हूँ, चाहिए क्या? सुचित्रा मन में, इसे 1000 रुपए देने से अच्छा मैं किसी और से कम पैसों में मिलने वाले जगह से ले लूंगी, यूँ सोची। नहीं चाहिए, मैं दूसरी जगह से ले लूंगी। ठीक है आपकी मर्जी, कहते हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन सुचित्रा एक अलग किसान के पास जाकर गन्ने खरीद कर ग्राहकों को वो गन्ने का रस दी। तब एक आदमी, क्या बहन इसमें वो स्वाद नहीं आ रहा है जो पहले में था, कहते हुए उस ग्लास को आधा पीकर वहाँ से चला गया। अरे ये क्या, अब तक जो कोई भी आता था वो दो दो ग्लास पूरा पीते थे, अब एक ग्लास भी पूरी तरह से नहीं पी रहे, सोचकर सुचित्रा ने अपने गन्ने के रस में एक पाउडर मिलाने लगी। फिर सब उसे पीकर, वाह बढ़िया है, वाह बढ़िया, और एक ग्लास, एक और ग्लास, कहते हुए सब पूरे दो दो ग्लास गन्ने का रस पीने लगे। एक बार एक बूढ़ी औरत वहाँ आकर एक गन्ने का रस मांगी। वो गन्ने का रस पीकर, अरे क्या मिलाया है इसमें, कितना स्वादिष्ट है ये, कहते हुए पूरे 5 ग्लास गन्ने का रस पी। अचानक वो बूढ़ी औरत चक्कर खाकर वहीं पे गिर गई। डॉक्टर ने उस औरत की जांच की। दादी ने कुछ पिया है, इसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई है। तब उन लोगों में से एक आदमी, क्या पिया, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ गन्ने का रस पी। सिर्फ गन्ने के रस पीने से ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ मिलाया जा रहा है, उस पर ध्यान दो। सभी तुरंत जाकर देखे कि सुचित्रा उस गन्ने के रस में कुछ पाउडर मिला रही थी। सभी तुरंत वहाँ गए और, ये क्या कर रही हो तुम, यूं से पूछने लगे। सुचित्रा घबरा कर, वो कुछ नहीं, कहते हुए बात को टालने लगी। हम सब जानते हैं, चलो पुलिस स्टेशन, कहते हुए उसे जेल में बंद कर दिए। पनीर वाला। ये बालूची नाम का गांव है, यहाँ श्यामा नाम का पनीर वाला हुआ करता था। उसका बनाया हुआ पनीर बहुत स्वादिष्ट होने से काफी लोग उसके रेडी पर आकर पनीर खरीदा करते थे। एक बार एक कस्टमर, श्यामा जी 1.5 केजी पनीर दीजिए। दूसरा कस्टमर, 100 ग्राम पनीर दीजिए सर। एक साथ कस्टमर्स के पनीर मांगने से श्यामालाल सबको पनीर नहीं दे पाया। उस शाम श्यामा अपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, हेल्पर्स की जरूरत है। जगदीश नाम का एक लड़का वहाँ से गुजरा तो उसने वो बोर्ड देखकर, सर आपके दुकान पर नौकरी है ये जानकर आया हूँ। हाँ इसके पहले कहीं पे नौकरी किए हो? नहीं सर, यही मेरा पहला नौकरी है। ठीक है, 1 महीना देखूंगा, अगर काम पसंद आया तो परमानेंट करूंगा। बाप रे, इतनी सी दुकान में काम करना ही बड़ी बात है, अब ये बड़ा आया जो कह रहा है कि 1 महीना देखकर नौकरी देगा। हाँ यूं मन में सोचकर, ठीक है सर कल से आ जाऊंगा। कल से क्यों, आज से ही ज्वाइन कर लो ना। तो इस तरह जग्गू श्यामा की दुकान में काम करने लगा। अगले सुबह श्यामा जब दुकान आया, जग्गू वहाँ दुकान के बाहर इंतजार कर रहा था।
ओहो सुबह ही आ गए, बढ़िया है समय पर आ रहे हो। ठीक है चलो नाश्ता करते हैं। कहकर एक ढाबे के पास गए। अरे एक प्लेट पनीर मखनी रोटी लेकर आना, मैं रोज यहीं पर नाश्ता करता हूँ। फिर दोनों मिलकर पनीर करी और रोटी अच्छे से खाए। कुछ दिनों बाद श्यामा जगू को अपने क्लाइंट्स के पास भेजने लगा, ढाबा पर, रेस्टोरेंट्स पर, चाट भंडार पर, ऐसे कई जगहों पर जगू से पनीर को भिजवाने लगा। धीरे धीरे श्यामा को जगू पर विश्वास बढ़ने लगा। उस शाम जगू, रोज ये श्यामा पनीर भेजता है, लगता है अच्छे से पैसा कमा रहा है, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ा नहीं रहा है, भला हम क्यों नहीं साइड पर पनीर का व्यापार शुरू करें? इसी लालची सोच से अगले दिन हमेशा जहाँ खाना खाते हैं उस ढाबे पर आकर, देखिए बगल वाले गांव में पनीर बहुत सस्ते में मिलता है, अगर आप ऑर्डर दोगे तो आधे दाम पर शुद्ध पनीर लाकर दूंगा। मेरे कस्टमर्स को तुम्हारे शाम के दिए हुए पनीर की आदत हो गई है, अगर दे सकते हो तो वैसा ही कुछ देना। ठीक है वैसा ही देता हूँ, लेकिन आपको ऑर्डर मुझे ही देना होगा। इस तरह उन दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ। अगले दिन जगू श्यामा से, सर जी हमारा ढाबा वाले को हमारा दिया हुआ पनीर का रेट ज्यादा लग रहा है, आगे से पनीर लाने मना कर रहा है। हाँ क्या, पर हमसे कम दाम में पनीर कौन देगा? पता नहीं सर क्या है, यूं झूठ कहा। कुछ दिनों बाद रोज की तरह श्यामा वहाँ खाना खाने आया। अरे एक प्लेट पनीर करी और रोटी लेकर आओ। ढाबा वाले ने पनीर करी और रोटी दिया। श्यामा वो पनीर खाती, अरे ये तो मेरा पनीर का ही स्वाद है, कोई और ऐसा पनीर बना ही नहीं सकता, सोचकर ढाबा वाले को बुलाकर, अरे आपका ये पनीर कहाँ से मिला? हाँ हाँ वो बगल वाले गांव से सस्ते में आया तो खरीदा। ओए ये कम दाम पे मिलने वाला पनीर नहीं है, ये मेरा ही बनाया हुआ पनीर है, मेरा बनाया हुआ पनीर कैसे होता है मुझे नहीं पता, जोर से पूछने पर ढाबा वाला, सर जी मुझे छोड़ दीजिए, पनीर जहाँ पर भी कम दाम में मिले वहाँ से खरीदना मेरा काम है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आखिर ये पनीर कहाँ से आया ये तो बताओ। आपका जग्गू जी। ये बातें सुनकर श्यामा हैरान होकर घर के लिए निकला। उस रात को जग्गू पनीर को चोरी करते हुए देखकर, ओहो तो यही है, इसे सबक सिखाना ही होगा, सोचकर पनीर में नमक मिलाया। इस बात से अनजान जगू अगले दिन जब वो पनीर चोरी करने आया, पनीर को सांचे में भरकर बेचने लगा। एक जगह पर चाट भंडार के पास चाट वाला, अरे जग्गू ये क्या पनीर है, इतना बेकार है, छी छी तुम्हारे वजह से आज का व्यापार नष्ट हो गया, कहकर डांटने लगा। आज से तुम्हारा ये पनीर मुझे नहीं चाहिए। दूसरी जगह पर भी यही सुनकर जग्गू उदास होकर श्यामा के दुकान के तरफ निकल पड़ा। वहाँ श्यामा, अरे क्या हुआ है, ऐसे क्यों मुंह लटकाए हुए हो, कहीं नमक तो ज्यादा नहीं खा लिए? श्यामा की ये बातें सुनकर जग्गू को सब समझ में आ गया, अपनी गलती का उसे एहसास हुआ। मेरी मति मारी गई थी जो ऐसा किया, पैसों की लालच में मैंने ऐसा सब कुछ किया, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है यही तुम्हारा आखिरी मौका है, कहकर उसे माफ कर दिया। सूरतघेरे नाम के एक छोटे से गांव में बद्री नाम का एक व्यापारी रहता था। वो चावल का व्यापार करता था और उसका एक चावल का दुकान भी था। उसके पास एक लॉरी था। गांव में किसानों से वो धान खरीदता था, फिर धान को अपने लॉरी में लादकर शहर ले जाकर वो बेच आता था। बद्री एक नंबर का लालची था। एक दिन एक किसान से उसने कहा, क्यों भाई एक बस्ते का 800 रुपए, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अरे तुम्हें 800 दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा? ये दुकान का खर्च, लॉरी का खर्च कौन देगा मुझे? देखो भाई 500 दूंगा, देना है तो दो, नहीं देना तो जाओ। उसका लॉरी जीवन नाम का ड्राइवर चलाया करता था। बद्री हर वक्त अपने लॉरी को बोरिया भर के ओवरलोड कर देता था। ये बात जीवन को पसंद नहीं था।
जीवन लॉरी को सावधानी से दुर्घटना से बचाकर चलाया करता था। एक दिन वो लॉरी ओवरलोड करके जा रहा था, पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस ने कहा, क्यों रे, कितनी बार बताऊं, तुझे समझ में नहीं आता? लॉरी का एक्सीडेंट कहीं हो गया तो जवाब कौन देगा? चल चल, 1000 रुपए भर, फिर से तुझे पकड़ा तो तेरा लॉरी को सील कर दूंगा कहता हूं, जाके अपने मालिक को बता देना। जीवन को 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ा। शहर से वापस आने के बाद जीवन ने कहा, मालिक, फिर से लॉरी पकड़ा गया, 1000 रुपए का जुर्माना फिर से भरना पड़ा। पुलिस ने कहा, इस बार लॉरी पकड़ा गया तो वो सील कर देंगे। उसकी बातें सुनकर बद्री को बहुत गुस्सा आया। क्यों भाई जीवन, तुम्हें ड्राइविंग आता है? पुलिस ने रोक लिया तो कुछ बताकर वहां से खिसक जाने का, वरना दूसरे रास्ते से जाने का। बार बार जुर्माने के नाम में मेरे से पैसे ले रहा है, सच में पुलिस को दे रहा है या तू हजम कर रहा है बेटा? जीवन ने कहा, मालिक, मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोल सकता, जुर्माना के सारे रसीद लाके आपको तो देता हूँ। वैसे लॉरी को बार बार ओवरलोड करोगे तो जुर्माना तो लगेगा ही। ओवरलोड लॉरी कितना मुश्किल से चलाता हूँ आप जानते हो? बद्री ने कहा, क्यों रे, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू मुझे ड्राइविंग सिखाएगा? मैंने पहले लॉरी ड्राइविंग किया है, बाद में धंधा किया है, तेरे को मुश्किल पड़ता है तो छोड़ के जाना। अरे कुत्तों की तरह लोग लाइन में खड़े हैं नौकरी के लिए, चल जा जा। ये सुनकर जीवन वहां से चला गया। दूसरे दिन एक आदमी बद्री से मिलने आया। उसने कहा, साहब, मेरा नाम राजेश है, मैं एक ड्राइवर हूँ। जहाँ मैं काम कर रहा था वो कंपनी बंद हो गई, अब काम ढूंढ रहा हूँ। सुना है आपको ड्राइवर की जरूरत है, नौकरी मुझे दे दीजिए तो मैं गाड़ी चलाऊं। बद्री ने कहा, चल ठीक है, तनख्वाह 10,000, 2 साल तक नहीं बढ़ेगा। लॉरी ओवरलोड हो गई तो मुझे मत बोलना, पुलिस से बच के गाड़ी चलाना तेरा जिम्मा है, समझ गया? ड्राइवर ने हामी भरी और नौकरी पकड़ लिया। ये ड्राइवर ओवरलोड लॉरी को भी काफी तेजी से चलाता था। उसे दारू का आदत भी था, बीच रास्ते में गाड़ी रोककर वो शराब पिया करता था और नशे में धुत वो गाड़ी तेजी से चलाया करता था। एक दिन वो नशे में धुत गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था, उसे रोकने के लिए पुलिस ने इशारा किया, पर उसने पुलिस को बिल्कुल भाव नहीं दिया, वो गाड़ी चलाता गया। पुलिस जीप भागता हुआ लॉरी का पीछा करने लगा। जब ड्राइवर ने देखा पुलिस पीछा कर रही है, उसने स्पीड और बढ़ा दी, तो पुलिस जीप ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। इस तरह चलते चलते लॉरी का ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और लॉरी पलट गया। सारे धान के बोरी नीचे पानी में गिर गए। पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। इस गलती के लिए ड्राइवर के साथ साथ बद्री को भी जेल में बंद होना पड़ा। तो बच्चों, गाड़ी चलाते वक्त नियम और निबंधनों का पालन नहीं करना बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसे करने से कभी ना कभी जरूर पकड़े जाओगे। समझ आई बात?